हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनिमल लाइट पर। आज मैं आपके लिए लोनली कैसल इन द मिरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि एक ड्रामा एडवेंचर मिस्ट्री फैंटेसी टाइप मूवी है। ये मूवी सात ऐसे बच्चों के लाइफ पर बेस्ड है जो कि बुली और किसी न किसी अब्यूज होने के कारण स्कूल नहीं जाते थे। एक दिन उनके घर का मिरर शाइन करता है और वो लोग उसमें खींचे चले जाते हैं और एक कैसल में पहुंच जाते हैं। तो आगे क्या कुछ होता है हम इस मूवी में जानेंगे। इस मूवी को IMDb पे 7 out of 10 और माई एनिमलिस्ट पर 7.5 out of 10 मिले हैं। इस मूवी को मैं दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्माइल कर रही थी। वहां से सीन शिफ्ट होता है और हम उस लड़की को अपनी माँ के साथ देखते हैं। उस लड़की का नाम होता है कोकोरो। चलते हुए उसकी माँ एक लेन में एंटर करती है और कोकोरो पीछे रह जाती, लेकिन कुछ स्कूल लड़कियों को देखकर वो माँ के पीछे पीछे चली जाती है। दरअसल वो लोग माइंडफुल क्लासरूम्स के लिए गए हुए थे, जहाँ पे स्कूल में बुली हुए स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दिया जाता है। वहाँ क्लास में कोकोरो और उसकी मदर एंटर होते हैं और कोकोरो से मिलने एक टीचर आती है जिनका नाम था हिताजिमा। वो कोकोरो से पूछती है, तुम युकिसिना 5th middle school से हो ना? मैं भी वहाँ एक स्टूडेंट थी। वहाँ से सीन चेंज होता है और कोकोरो अपनी ड्रीम के बारे में बताती है। कभी कभी मैं एक सपना देखती हूँ जहाँ एक ब्राइट स्टूडेंट क्लास के कई सारे बच्चों में से मुझे आकर ग्रीट करता है और मेरा हालचाल पूछता है। अगर मैं उम्मीद कर सकती ऐसा मिराकल कभी हो सकता, लेकिन मुझे पता है ऐसा मिराकल कभी होता ही नहीं। और हमें एक खाली डेस्क को दिखाया जाता है जो कि कोकोरो की जिंदगी को रिप्रेजेंट कर रही थी। वहां से सीन चेंज होता है और हमें कोकोरो का घर दिखाया जाता है। उसके पापा ऑफिस जाते हैं और मॉम खाना बना रही थी। तभी कोकोरो आती है और अपने पेट दर्द के बारे में बताती है। उसकी माँ उसके पेट दर्द की सीवियरिटी के बारे में पूछते हैं और कोकोरो हमेशा की तरह हो रहा है बोलती है। कोकोरो बोलती है तो फिर इसीलिए, और उसकी माँ समझ जाती है कि ये स्कूल जाना ही नहीं चाहती। फिर उसकी माँ उसके स्कूल वालों को कोकोरो आज स्कूल नहीं जा सकती बता देती है। इधर कोकोरो बोलती है, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। फिर वो अपने रूम में जाने लगती है और बोलती है, मुझे काफी भूख लगी है। इसके बाद उसकी माँ ऑफिस चली जाती हैं और कोकोरो अपने रूम में अकेले टाइम बिताती है। कुछ टाइम बाद कोकोरो की नेबर में रहने वाली उसकी क्लासमेट मोए एक लेटर उनके लेटर बॉक्स में डाल देती है, जिसको कोकोरो भी देख रही थी। इसके बाद कोकोरो के रूम में रखा मिरर अचानक साइन करने लगता है, जिसको देखकर कोकोरो क्यूरियोसिटी में उसके पास चली जाती है और उसको छूते ही वो उसके अंदर खींची चली जाती है और एक अननोन जगह पे उसकी आंख खुलती है और उसके सामने एक वुल्फ मास्क पहनी लड़की खड़ी थी, जो उस प्लेस की इंचार्ज उल्फ क्वीन थी। वो कोकोरो को वेलकम करती है। कोकोरो समझ नहीं पा रही थी कि वो जगह कौन सी है, लेकिन उसको थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है कि वो एक कैसल है। डर की वजह से कोकोरो वहां से जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उल्फ क्वीन उसको रोकती है और बोलती है, यहाँ पे 6 students ऑलरेडी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। मुझे इसको जल्दी करना होगा, ऑलरेडी दिन के 4 बज चुके हैं। फिर वो कोकोरो को खींच कर कैसल के अंदर ले जाती है। कैसल के अंदर पहले ही 6 students थे और वो लोग कोकोरो का इंतजार कर रहे थे और उनको भी उनकी दुनिया से कोकोरो की तरह लाया गया था और उनको यहाँ कैसल में लाने का मकसद भी नहीं पता था। फिर उल्फ क्वीन उनको कैसल के बारे में एक्सप्लेन करती है। यहाँ कैसल में एक छोटा सा रूम है जिसको कि रूम ऑफ विशेस कहा जाता है। अगर तुम उसके अंदर जाने में कामयाब हुई तो फिर तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी होगी, लेकिन तुम में से कोई एक ही उस रूम में एंटर कर सकता है और उस रूम में जाने के लिए तुम्हें उसके की जरूरत होगी, जो कि तुम्हें आज से अगले साल March 30 तक खुद इसको इस कैसल में ढूंढना है। उसकी बातें सुनकर एक लड़की बोलने लगती है, एक्चुअली यहाँ पे हमें क्यों लाया गया है और हमें लाने का इरादा क्या है, ये कौन सी जगह है और कौन सा विश है, इस तरह के तरह तरह सवाल करती है और बाकी बच्चे भी उसी लड़की का साथ देते हैं। तो उल्फ क्वीन बोलती है, चुप करो और बकबक बंद करो, क्या तुम्हारी कोई ड्रीम नहीं है, क्या तुम्हें कोई स्टोरी का हीरो नहीं बनना है, यहाँ पे 2nd floor पे प्राइवेट रूम्स हैं, तो फिर एंजॉय करो और खुद को लकी समझो। अगर तुम में से कोई उस की को पहले ढूंढता है और विश मांगता है तो फिर ये कैसल बंद हो जाएगा और तुम्हारे दुनिया से मिरर का रास्ता कट हो जाएगा, और जरूरी नहीं है कि तुम उस की को ढूंढ ही पाओ। उनमें से एक लड़का पूछता है, तो फिर मैं यहाँ कब आ सकता हूँ? उल्फ क्वीन बोलती है, दिन के 9 से शाम के 5 बजे तक, और इस रूल को तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम 5 बजे के बाद घर नहीं जाते हो तो फिर तुम एक उल्फ के द्वारा खा लिए जाओगे। उल्फ क्वीन की बातों को वो टॉल लड़की यकीन नहीं करती, तो फिर उल्फ क्वीन उसको बोलती है, एक बार कोशिश करके देखो, फिर याद रखो अगर तुम में से कोई एक भी रूल ब्रेक करता है तो फिर इसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा, इसका मतलब तुम सब खा लिए जाओगे। इस समय घड़ी में 4:30 बज चुके थे और उल्फ क्वीन बोलती है, क्या तुम लोगों ने अभी तक कैसल को पूरा देखा है? ये बोलकर उल्फ क्वीन सारे बच्चों को कैसल के दूसरे फ्लोर पे ले जाती है और उन बच्चों को आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने बोलकर
वहां से चली जाती है। यहां हमें सभी स्टूडेंट्स का नाम और उनका क्लास पता चलता है, जो कि मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा। उनके नाम सब थे आकी, कोकोरो जो कि लीड है, फुक्का, रियान, सुबारू, मासामुने और लास्ट में उरेसिनो। बच्चे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी वहां पे उल्फ की हाउल की आवाज आती है। ये सुनकर उरेसिनो डर जाता है और उसके पीछे अचानक उल्फ क्वीन आ जाती है और बोलती है, ये तुम सबके लिए सिग्नल है घर जाने के लिए, 5-15 तक घर जल्दी चले जाओ, जल्दी करो नहीं तो खा लिए जाओगे। उल्फ क्वीन उनको मिरर की तरफ इशारा करती है। उरेसिनो जल्दबाजी में जाकर एक मिरर से टकरा कर गिर जाता है। उल्फ क्वीन बोलती है कि नाम देखकर एंट्री करो। सभी के नाम से वहां पे मिरर था। फिर सभी बच्चे मिरर से होते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं और कोकोरो भी अपने घर में वापस आ जाती है। कोकोरो वापस आकर उस मिरर को फिर से टच करती है, जो कि अब नॉर्मल था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कोकोरो तब से मिरर के अंदर नहीं गई थी, और एक दिन कोकोरो की मिरर फिर से चमकने लगती है। कोकोरो खिड़की से बाहर देखती है और उसकी क्लासमेट मोए उसके लेटर बॉक्स में फिर से लेटर डालती है। फिर कोकोरो एक पास्ट का इंसिडेंट याद करती है। कोकोरो मोए के साथ जा रही थी, तभी दूसरे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट मोए को उसकी छाता कितनी खूबसूरत है बोलकर अपने साथ ले जाती है और कोकोरो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और कोकोरो मिरर के अंदर आती है। वहां मासामुने और सुबारू, आकी और फुक्का थे। कोकोरो उनको छुप कर देखती है, फिर वहां से चली जाती है और कैसल के अंदर घूमने लगती है। वहां सभी स्टूडेंट के नेम से डिफरेंट कमरे थे। कोकोरो अपने नाम वाले कमरे में एंटर करती है और कमरे को चारों तरफ अच्छे से घूम कर देखती है। फिर वो अपने बेड पे कूद कर सो जाती है और इस बार थोड़ी स्माइल थी उसके फेस पे। इसके बाद कोकोरो वहां पे रखी बुक सेल्फ से बुक निकाल कर देखने लगती है। जब वो एक बुक निकाल रही थी, तभी उसको मोए की याद आती है। मोए उसको बोल रही थी, अगर तुम्हें ये किताब पसंद है तो फिर मैं तुम्हें ये दूंगी, मेरे पापा इसको यूरोप से लाए थे, वो वहां यूनिवर्सिटी में बच्चों को चिल्ड्रन लिटरेचर पढ़ाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और कोकोरो उस बुक को रखकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां उसको रियान मिल जाता है, जिससे कोकोरो अचानक देखकर थोड़ा ब्लश करती है। फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी उसको पीछे से आकी और बाकी बच्चे बुलाते हैं। वो सब कोकोरो को काफी दिन बाद देखकर खुश होते हैं और इतने दिन ना दिखाई देने का कारण पूछते हैं, तो कोकोरो बताती है कि वो हमेशा यहाँ नहीं आ सकती। तभी आकी बोलती है, हम तब से यहाँ रेगुलरली आ रहे हैं। सुबारू बोलता है, हाँ हम दोपहर को सब एक साथ होते हैं। तभी रियान बोलता है, मुझे लगता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तभी आकी उससे पूछती है, पर तुम तो आज जल्दी आए थे। रियान बोलता है, एक्चुअली मेरा सॉकर गेम एक्टिविटीज होता रहता है, आज मेरा ऑफ था। तभी वहां पे उरेसिनो मिरर से आता है, जो कि अपने साथ अपने माँ की बनाई हुई कुकीज को लाया था। अब वहां से सीन शिफ्ट होता है और रात को कोकोरो सोते हुए सोचती है कि मैं लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे वेलकम किया, मैं कल फिर से कैसल जाऊंगी। अब अगले दिन कोकोरो कैसल में जाती है और उसको आकी और फुक्का बुलाते हैं, बोलते हैं उस साइड मत जाओ, वहां उरेसिनो है। वो सब साथ मिलकर एक डिफरेंट हॉल में चले जाते हैं। आकी बोलती है, ये हमारा गर्ल्स वाला सेक्शन है, यहाँ से बाहर देखना कितना सुंदर है। इसके बाद वो सब साथ मिलकर चाय पीते हैं, जिसको कि आकी अपने घर से लाई थी, क्योंकि वहां पे पानी, टीवी एक्सेट्रा जैसी कई सुविधाएं नहीं थी। कोकोरो चाय पीकर खुशी महसूस करती है और बोलती है, ये स्ट्रॉबेरी टी है ना, काफी डिलीशियस है। आकी बोलती है, हाँ स्ट्रॉबेरी टी, मुझे ये काफी पसंद है। फिर कोकोरो बोलती है, क्या तुमने कैसल को अच्छे से देख लिया है? आकी बोलती है, ये तुम खुद ट्राई कर सकती हो, मैंने इसको थोड़ा देखा था जब मैं यहाँ पहली बार आई, फुक्का के साथ मिलकर मैंने यहाँ वहाँ थोड़ा देखा था, मैं टावर के टॉप पर भी गई, पर बाहर सिर्फ समंदर ही था और ये कैसल कहीं से भी कनेक्टेड नहीं था। मैं चाबी और विश रूम को भी ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे तो नहीं मिली। कोकोरो पूछती है, जिस चाबी को हम ढूंढ रहे हैं वो किस तरह की है? फिर वो थोड़ा रुककर अपनी बातें को बदल देती है और बोलती है, मेरी रूम काफी अच्छी है। आकी बोलती है, मेरी रूम भी, और फुक्का के रूम में एक पियानो भी है। फिर वो तीनों थोड़ी बातें साथे करते हैं और कोकोरो अपने घर वापस चली आती है। कोकोरो उन दोनों से पूछना चाहती थी कि वो किस तरह की उइस को पाना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ ना सकी, और खुद को भी उसकी उइस पूछा जाए वो नहीं चाहती थी। इसके बाद ऐसे ही कैसल में आना जाना और कोकोरो की अच्छी टाइम स्पेंड वहां पे होने लगती है, जिसको कोकोरो कुछ इस तरह एक्सप्लेन करती है, कैसल में काफी फन होता है और जब मैं सबके साथ होती हूँ या फिर अकेले होती हूँ, सब लोग हमेशा आते हैं, मुझे पता नहीं कि वो लोग स्कूल जाते भी हैं या नहीं, इसके बारे में कोई सुना नहीं और किसी को पता भी नहीं, और ये काफी अच्छा फील करता है। कोकोरो ऐसे ही किसी दिन कैसल में गई थी। उरेसिनो उसको कुकीज खिलाता है और मासामुने गेम खेलते हुए बोलता है, उरेसिनो जिसको पसंद करता है उसको ऐसे ही कुकीज खिलाता है। फिर आकी भी इस बात को लेकर हंस रही थी, तभी वहां पे उल्फ क्वीन दिखती है और बोलती है, तुम कब से आकी से कोकोरो की तरफ शिफ्ट हो गए? काफी दिन बाद उल्फ क्वीन को देखकर आकी उसे ग्रीट करती है। उल्फ क्वीन बोलती है, तुम लोग यहाँ
इस जैसी जगह पे अपना टाइम वेस्ट ना करो, चाबी को ढूंढो। मासामुने ने बोलता है, मुझे पता नहीं। वुल्फ क्वीन बोलती है, क्या तुमने सही से ढूंढा? अगर तुम्हारे पास कोई विश नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तभी मासामुने उरेशिनो को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि तुम्हारे पास तो विश होगा, है ना। कोकोरो को इम्प्रेस करने के लिए उरेशिनो बोलता है, कोकोरो तुमने वो सुना नहीं उसने जो कहा, है ना। तभी पुक्का उससे बोलती है, क्या बेवकूफ है। और ये सुनकर कोकोरो को अपनी स्कूल की इंसिडेंट याद आती है। कोई एक लड़का उसके सामने से पास करता है और वो अचानक चौंक जाती है। तभी झाड़ियों में छुपे हुए उसको बुली करने वाले स्टूडेंट्स उठकर उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या बेवकूफ है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। इस इंसिडेंट को कुछ दिन बीत जाते हैं और कोकोरो फिर से कैसल जाती है। वहां कोई नहीं था, कोकोरो एक घड़ी को देख रही थी। तभी वहाँ पे सुबारू आता है और कोकोरो को बताता है कि अभी सभी शायद बिजी चल रहे हैं समर वैकेशन के चलते। मासामुने अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवलिंग पे है। फुक्का के वीकली दो समर क्लासेस आफ्टरनून में हो रहे हैं और उरेशिनो कहीं क्राम स्कूल में गया है। सीन चेंज होता और कोकोरो कुछ स्टडी करती अपने कैसल वाले रूम में, और जब वो बाहर आ रही थी तब उसको रियोन मिलता है। रियोन बोलता है, लगता है आजकल सब बिजी चल रहे हैं। कोकोरो बताती है कि सबका समर क्लासेस चल रहा है। तो रियोन उससे पूछता है, क्या तुम भी कोई समर क्लास ले रही हो? कोकोरो क्या बोलेगी समझ नहीं पाती, लेकिन उसको रियोन से बात करके थोड़ा अच्छा फील होता है। अगले सीन में कोकोरो अपने माँ के साथ डिनर कर रही थी और उसकी माँ बोलती है, तुम अगर आजकल बाहर जा रही हो तो ये अच्छी बात है, जब मैं कल दोपहर घर आई थी तब तुम नहीं थी। इस बात पर कोकोरो चिढ़ जाती है और बोलती है, मुझे इस तरह आपका देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोकोरो वहां से चली जा रही थी तभी उसकी मॉम बोलती है, किताजिमा सेंसेई जो तुमसे पहले बात की थी वो तुमसे मिलना चाहती है। अगले सीन में सभी बच्चे कैसल के अंदर थे और सुबारू अपना हेयर डाई करके आया था। आकी उससे पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारे टीचर डांटेंगे नहीं? सुबारू बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी बच्चों में थोड़ी बहुत बातें होती है और मासामुने उरेशिनो के साथ थोड़ा मजाक करता है। तभी उरेशिनो चिल्लाता है और बोलता है, तुम्हें पता है मुझे सेकेंड सेमेस्टर से स्कूल जाना होगा, तुम में से यहां कोई भी स्कूल नहीं जाता। अब आके मुझे कहेगी तुम स्कूल नहीं जाते, टीचर तुम पर गुस्सा होंगे। ये कितनी स्ट्रेंज बात है, सब मुझे बेवकूफ समझते हैं और मुझ पे हंसते हैं। तभी कोकोरो बोलती है, नहीं वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा रुककर अपने मन में सोचती है, शायद ऐसी ही बात है क्योंकि ये उरेशिनो ही है आखिरकार। उरेशिनो बोलता है, मैं इस तरह सबसे रिजेक्ट होकर और सबके द्वारा हेट किए जाने पर पक चुका हूँ। तभी रियोन आकर उरेशिनो को शांत रहने बोलता है। उरेशिनो उसे बोलता है, तो फिर तुम अपने बारे में बताओ, तुम तो स्कूल ही नहीं जाते। तभी रियोन बोलता है, मैं जाता हूँ। सभी बच्चे ये सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं और रियोन बोलता है, मैं हवाई में एक बोर्डिंग स्कूल में जाता हूँ। ये सुनकर फुक्का बोलती है, जब वुल्फ क्वीन इस कैसल की रूल को बता रही थी तभी उसने एक कैसल जापान टाइम के हिसाब से 9 से 5 ओपन है बताई थी। तभी मासामुने रियोन से पूछता है, तो फिर तुम तो काफी अमीर हो गए। रियोन बोलता है, वैसी कोई बात नहीं, वहाँ एडमिशन लेना काफी इजी है और वहाँ का माहौल सॉकर खेलने जैसा है। तभी उरेशिनो बोलता है, तो फिर तुमने हमको ये बात छुपाई क्यों थी? रियोन बोलता है, ना मैंने नहीं छुपाई थी, सबसे पहले मुझे तो लगा था कि यहाँ सभी अब्रॉड में पढ़ते हैं, लेकिन जब सबने डे टाइम जापान के बारे में बताया तब मुझे पता चला। और मैं स्कूल जाता भी हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ हमेशा इवनिंग में ही आता हूँ। उरेशिनो बोलता है, मुझे परवाह नहीं, जो तुम नहीं कर रहे मैं वो करूँगा फिर, और तुम सब मुझे बताना कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मैं सेकेंड सेमिस्टर स्कूल जाऊँगा, तो फिर मिलता हूँ बाद में। और उरेशिनो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाता है और उरेशिनो कैसल में आता है और उसके शरीर में खूब सारे बैंडेजेस थे। कोकोरो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उरेशिनो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये कुछ ज्यादा लग रहा है। फिर बाकी बच्चे उसको साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। अगले सीन में तीन लड़कियां उसी बात को डिस्कस कर रही थी और आकी बोलती है, उरेशिनो के लिए सेफ जगह यही है। तभी कोकोरो आकी को उसके स्कूल ना जाने का रीजन पूछती है। आकी बोलती है, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड है और ये एक सीक्रेट है। अगले सीन में कोकोरो अपने घर पर होती और लेटर बॉक्स से लेटर कलेक्ट करने के लिए जा रही थी, तभी उसको किताजिमा सेंसेई मिलती है। कोकोरो उनको घर बुलाती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारे माँ के साथ तुमसे बात करना चाहती थी, मैं यही ठीक हूँ और मैं चली जाऊंगी जल्दी। क्या तुम अपने माँ से टाइम टू टाइम बातें कर रही हो? मैं उम्मीद करती हूँ जब तुम्हें स्कूल जाना होगा तुम जाओगी। कोकोरो बोलती है, क्या आपने मेरी माँ से बोला था कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैं स्कूल नहीं जाती? उसके टीचर के हाँ कहने पर कोकोरो फिर रीजन पूछती है। तो फिर किताजिमा सेंसेई बोलती है कि क्योंकि कोकोरो चान रोज खुद से लड़ रही होती है इसीलिए। ये सुनकर कोकोरो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। फिर किताजिमा सेंसेई बोलती हैं, मैं फिर आऊंगी, और उसको एक छोटा सा गिफ्ट देकर वहां से चली जाती हैं। कोकोरो उसको खोलकर देखती है तो उसके अंदर थे स्ट्रॉबेरी टी के पैकेट्स। अब कुछ दिन बाद सभी लोग कैसल में इकट्ठा होते हैं और ये अक्टूबर का महीना चल रहा था और एक साल वाले टाइम लिमिट का आधा समय बचा था। मासामुने और आकी सभी को
की ढूंढने के बारे में बताते हैं। वो दोनों पहले ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आकी और मासामो ने सभी को इंडिविजुअली की को ढूंढने के लिए बोलते हैं और आकी बोलती है, हम सब आपस में राइवल्स हैं, है ना, अगर किसी को विश पाने के लिए की मिलते हैं तो फिर वो सभी के साथ डिस्कस करे या फिर शायद हम एक लॉटरी जीतने की तरह रॉक पेपर सीजर गेम से ट्राई करे। थुका बोलती है आकी की ऐसी भी विश है जो कि वो फुलफिल करना चाहती है और मुझे यकीन ही नहीं होता मासामो ने भी काफी डेस्परेट है विश को लेकर। मासामो ने बोलता है सभी के एक दो विश तो है ही जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। तभी रियोन बोलता है जब तक हम इसको कर रहे हैं क्यों ना हम एक प्रॉमिस करते हैं, हम में से जिसको भी की मिले मार्च के एंड तक कोई इसको यूज नहीं करेगा। आकी बोलती है हाँ सही कहा, मैं इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहती और सभी बच्चे रियोन की बात से एग्री करते हैं। इसके बाद सभी अलग अलग होकर कीज को ढूंढने लगते हैं। कोकोरो को एक क्रॉस का मार्क दिखता है और इस दौरान पूरे सिनो भी फुका से सॉरी बोलता है कि उस दिन वो गुस्से में सभी पे चिल्ला दिया था। वो कैसल में रहना पसंद करता है और इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता। वो स्कूल तो नहीं जा रहा पर उसके स्कूल में एक अच्छे टीचर हैं जो उसकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। तभी घड़ी में 4:30 बज जाते हैं और आकी सबको एक साथ बुलाकर बाद में कोशिश करने के लिए बोलती है। तभी वहां पे उल्फ क्वीन आकर ताली बजाती है और बोलती है ऐसे यूनाइट होकर काम करना तो अच्छी बात है, काफी दिन हो गए लिटिल रेड राइडिंग हुड। सभी बच्चे उसको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं क्या हमारा साथ में की ढूंढना कोई प्रॉब्लम है। वुल्फ क्वीन बताती है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई थी, जब तुम्हें की मिलेगा और तुम अपना विश पूरा करोगे तब तुम सारी यादें खो दोगे इस कैसल के बारे में, मेरे बारे में, यहाँ तुम्हारे दोस्तों के बारे में और यहाँ बिताए हुए समय के बारे में। अगले मार्च 30 तक अगर किसी का विश पूरा नहीं होता है तो फिर तुम सबकी मेमोरी कंटिन्यू करेगी और तुम्हें याद रहेगा जब तुम यहाँ थे, कौन सा चुनना है ये तुम पर है। अगले सीन में हमारी तीन लड़कियां कैसल में होती हैं और इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं करना है, अगर ऐसा होता तो फिर उनका पहले तो मिलना ही सही नहीं होता। तभी फुका आकी से पूछती है क्या तुम्हारी कोई विश है जिसको तुम बहुत चाहती हो और पूरा करना चाहती हो। आकी थोड़ी साइलेंट रहती और कुछ नहीं कहती। तभी कोकोरो बोलने लगती है मेरे क्लास में एक लड़की सानादा और उसकी स्टोरी बताने लगती है, जब मैं स्कूल में दाखिल हुई तब मोएचान नाम की एक क्यूट लड़की आई और हमारा घर पास ही में था इसीलिए हम जल्दी दोस्त बन गए और सानादा ऐसा करती थी जिसको कि हम पहले सीन में देखा है। सानादा सोशल पर्सन थी और सब लोग उसको पसंद करते थे, उसने मुझसे मेरी दोस्त को भी छीन लिया, टीचर्स उसको पसंद करते थे। सानादा के कहने पर इकेदा नाम का एक लड़का कोकोरो को बोलता है मुझे बदसूरत लोग पसंद नहीं और वहां से चला जाता है। तभी सानादा और उसके गैंग उस पर हंसने लगते हैं। सानादा बोलती है तुम्हें क्या लगा इकेदा तुमसे कॉन्फेस करेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम एक इडियट हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। इकेदा जो मुझे एलिमेंट्री स्कूल में लाइक करता था वो मुझसे ऐसा बोला, ऐसा लग रहा था मानो उसने सानादा को डेटिंग करना शुरू किया है। और सबसे डरावनी चीज जब एक दिन मैं घर पर स्टडी कर रही थी तभी बाहर कोई डोरबेल बजाता है और जब मैं देखने गई सानादा और उसके फ्रेंड्स जोर जोर से दरवाजा पीट रहे थे और मुझे बुला रहे थे, बाहर आ तुझे देखते हैं, दूसरों की बॉयफ्रेंड चुराने का बहुत शौक है ना तुझे। मैं डर कर भाग कर दूसरे डोर की स्क्रीन डाल दी लेकिन वो इस तरह शोर कर रहे थे और चिल्ला रहे थे बाहर आ। मैं डर कर बहुत रोई और डर कर कान बंद कर दी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और कोकोरो बोलती है मैं बहुत डर गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं मारी जाऊंगी उनके हाथों, मैं जब उठी घर पूरा अंधेरा था और बाहर शांत, मेरी मॉम जल्दी आ गई थी लेकिन इसके बारे में मैं उनको कुछ कह नहीं सकी, पता नहीं ऐसी चीज क्यों हुई और फिर मैंने स्कूल जाना बंद कर दी। इसके बाद आकी और हुक्का कोकोरो को सिंपैथी देते हैं और आकी उसे हग करती है। तभी कोकोरो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि कोई इसके बारे में मुझसे पूछे, सानादा के ना होने से सब कुछ कितना अच्छा होता, जब मुझे वो की मिल जाए तो फिर मैं चाहूंगी कि इस दुनिया में सानादा ना रहे पर इसके वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो जाएगी सभी के साथ, तो मुझे पता नहीं कौन सा बेहतर है। कुछ दिन बाद रियोन और कोकोरो की ढूंढ रहे थे, तभी रियोन उसको एक वहां की म्यूजिक बॉक्स को चलाकर दिखाता है, गाना सुनकर वहां पे भुक्का और मासामो ने आ जाते हैं लेकिन उरेसिनो की आवाज नीचे से सुनकर सब लोग वहां पे चले जाते हैं और देखते हैं आकी बिल्कुल डरी हुई मिरर के सामने बैठी हुई है और सबके पूछने पर कुछ बताती नहीं और बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जिस यूनिफॉर्म को पहनकर आई थी उसको भुक्का और कोकोरो पहचान जाते हैं जो कि युकीसिना 5th मिडिल स्कूल से थी। अगले सीन में उल्फ क्वीन के सामने सभी बच्चे थे और वो बोलती है तो फिर तुम लोगों ने रियलाइज कर ही लिया। आकी बोलती है तो फिर हम सब युकीसिना 5th मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। रियोन बोलता है मेरे स्टूडेंट बनने से पहले मैं हवाई चला गया लेकिन मैं प्लानिंग कर रहा था कि युकीसिना 5th मिडिल स्कूल में जाऊं। तभी वुल्फ क्वीन बोलती है मैं चाहती थी कि तुम लोग आपस में अपने स्कूल के बारे में पहले बात करो लेकिन अभी काफी लेट हो चुका है। मासामो ने बोलता है तो फिर तुम्हें तो काफी मजा आ रहा है ना। वुल्फ क्वीन बोलती है नहीं नहीं मैं इतनी भी इविल हार्ट नहीं हूँ। कोकोरो पूछती है
तो फिर तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? वुल्फ क्वीन बोलती है, मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम लोगों को एक कैसल दी जिसमें तुम्हें की को ढूंढकर अपनी विश पूरी करवानी है। अब कोकोरो रात को घर में सोचती है, इसी शहर में वो सारे बच्चे रह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात मुझे खुशी दिला रही है। अगले सीन में कोकोरो अपनी माँ को अपने बुली होने के सारी बात बता देती है और उसकी माँ रोते हुए उसको हग करती है और बोलती है, अब तुम मॉम के साथ हो कोकोरो, चलो मिलकर इस लड़ाई को लड़े। अपनी माँ को माफ कर देना कोकोरो, मैं पहले नोटिस नहीं कर पाई। अगले सीन में कोकोरो की माँ स्कूल से उसके टीचर को बुलाती है और सारी बात बताती है। टीचर मामले को हल्के में लेते हैं और बोलते हैं ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कोकोरो को सानादा से बात करनी चाहिए। तभी कोकोरो स्कूल की सीन याद करती है जहाँ सानादा और उसके फ्रेंड्स इदा सेंसेई को हैंडसम कहते हैं पहले और उनके जाने के बाद वो कितने स्टूपिड हैं बोलकर हंस रहे थे। टीचर सानादा की थोड़ी साइड लेते हुए बोलते हैं, वो एक अच्छी बच्ची है जो कि इजीली मिसअंडरस्टूड हो जाती है और वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। तभी कोकोरो बोलती है, वो खुद को सुधार नहीं रही, अगर वो खुद को सुधार रही किसी चीज में तो फिर आपने उसको उसके लिए डांटा है क्योंकि वो डरती है, अगर सभी टीचर्स उसकी बुरी करतूत के बारे में जानेंगे तो फिर उसका क्या होगा। इसीलिए टीचर और कुछ बोल पाते तभी कोकोरो की मॉम उनको बोलती है, पहले तो आपका इस तरह का बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं और जैसा कि आपने उस सानादा नाम की लड़की से बात की और सिचुएशन समझे। तभी टीचर रोक कर बोलते हैं, नहीं मैं तो बस दोनों पार्टियों के बीच सुलह कर रहा हूँ। मॉम बोलती है, बस हो गया, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो साथ में स्कूल के किसी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रिंसिपल को साथ लेके आइएगा। अगले सीन में सभी बच्चे कैसल में होते हैं और रियोन एक क्रिसमस केक लेकर आया था जिसको कि उसके माँ ने बनाया था। बच्चे अब केक खाने बैठते हैं तभी रियोन बोलता है कि वुल्फ क्वीन को बुलाया जाए और वुल्फ क्वीन तुरंत पीछे हाजिर हो जाती है और बोलती है, क्या तुमने मुझे बुलाया? रियोन वुल्फ क्वीन को केक के लिए ऑफर करता है और बाकी बच्चे वुल्फ क्वीन की क्रिसमस ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। आकी बोलती है, क्या तुम मास्क पहनकर खाओगी? वुल्फ क्वीन बोलती है, नहीं, अगर तुम लोग शेयर करोगे तो फिर मुझे दे दो, मैं अपने साथ घर ले जाऊंगी। कोकोरो बोलती है, मुझे तो लगा था आप मना करोगी। तभी उरेशिनो बोलता है, वुल्फ क्वीन को केक्स भी पसंद है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अगले सीन में सभी बच्चे कैसल के रूफ पर थे और मासामो ने सभी को थर्ड सेमेस्टर क्लास को उसके लिए एक ही बार अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे वो स्कूल चेंज करे और फ्री स्कूल को अटेंड करे। तभी कोकोरो उस फ्री स्कूल टीचर के बारे में पूछती है और किताजिमा सेंसेई का नाम बताती है जो बुली स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करती है। मासामो ने बताता है कि वो काफी अच्छी है लेकिन फ्री स्कूल में स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वहाँ स्टडी करने का माहौल अलग है और बाय द वे अगर हम स्कूल चेंज करते हैं तो फिर हम यहाँ कैसल में नहीं आ सकते हैं, है ना, और इसीलिए मैंने अपने पापा को बोला है एटलीस्ट थर्ड सेमेस्टर के लिए मुझे यूकी सिन्हा फिफ्थ मिडिल स्कूल को अटेंड करने के लिए अलाउ करें। वहाँ आप सबको एक दूसरे की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी या फिर इन्फायरमेरी में होना ठीक रहेगा। अगले सीन में कोकोरो स्कूल जाने का फैसला करती है। उसकी माँ बोलती है, क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? लेकिन कोकोरो उनको मना करके स्कूल जाने लगती है। कोकोरो सोचती है, मैं यहाँ स्कूल नहीं आई हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। कोकोरो जब स्टैंड में सू रख रही थी तब उसको मोएचान मिलती है लेकिन वो उससे बिना कोई बात किए वहाँ से सू रख के चली जाती है। उसके जाने के बाद कोकोरो को वहाँ एक लेटर मिलता है और जब वो उसको खोलकर पढ़ती है वो सानादा की थी जिसमें उसने लिखा था कि मैंने इदा सेंसेई से तुम्हारे बारे में सुना और तुम स्कूल आने वाली हो, इसीलिए मैं ये लेटर लिख रही हूँ। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम इकेदा को अभी भी पसंद करती हो और मैंने उसके साथ इस समर में ब्रेकअप कर लिया है। अगर तुम उससे अभी भी पसंद करती हो तो फिर मैं तुम्हें पूरी सपोर्ट करूंगी। ये सब पढ़ के कोकोरो की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो स्कूल की इन्फायरमेरी में जाती है। वहाँ की डॉक्टर उसको बेड पर बिठा देती है और कोकोरो उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है लेकिन जितना भी नाम लेती वो डॉक्टर बोलती है कि शांत हो जाओ कोकोरो, यहाँ इस नाम से कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। तभी वहाँ पे किताजिमा सेंसेई आती है और कोकोरो उनके पास जा रही होती तभी अपना कॉन्शियस खोकर वही लेट जाती है। कोकोरो की जब आंख खुलती है तभी किताजिमा सेंसेई बोलती है, मैंने तुम्हारी माँ से सुना कि तुम आज स्कूल आ रही हो। वो कोकोरो से उसके हेल्थ के बारे में पूछती है और माफी भी मांगती है कि बिना परमिशन के वो उसके लेटर को पढ़ लिए। कोकोरो रोने लगती है और किताजिमा सेंसेई बोलती है, मैंने इदा सेंसेई से बात किया है। फिर कोकोरो पूछती है, सेंसेई मोएचान मेरे सामने थी लेकिन उसने मेरे साथ बात नहीं की और मुझे इग्नोर करके चली गई, और क्या होगा अगर मोएचान ने उस लेटर को मेरे शू बॉक्स में रखा होगा? सानादा के कहने पर वो हमेशा मेरे लिए स्कूल से लेटर लाती थी, क्या होगा अगर वो मुझे हेट करती होगी तो? किताजिमा सेंसेई उसको समझाती है, शांत रहो कोकोरो, मोएचान ही है जिसने हमको सानादा के बारे में बताया, मुझे लगता है वो तुमको अचानक देखकर सरप्राइज हो गई इसीलिए कुछ बोल ना सकी, मेरा यकीन करो कोकोरो वो तुम्हारे बारे में वरीड रहती है। और ये सुनकर कोकोरो थोड़ा अच्छा महसूस करती है। अगले सीन में कोकोरो कैसल जाती है, वहाँ रियोन उसको मिलता है, बाकी कोई नहीं था। रियोन कोकोरो को स्कूल के बारे में पूछता है और कोकोरो बोलती है कि वो किसी से भी नहीं मिली, कोई आया ही नहीं, और तो और यहाँ हमारे सारे फ्रेंड्स स्कूल में स्टूडेंट भी नहीं है। रियोन ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और कोकोरो बोलती है कि मुझे भी पता नहीं, मैं सभी से पूछना चाहती हूँ, ये शायद कैसल के
बारे में है या फिर ये मिरर या फिर सभी, यहाँ सब कुछ झूठ क्यों लग रहा है? और ये सोचकर मुझे डर भी लग रहा है। तभी रियोन कोकोरो के पास जाता है और बोलता है, मैं इधर हूँ और ये झूठ नहीं है, बाकी सब भी ठीक रहेंगे। जरूर कुछ हुआ होगा इसीलिए वो नहीं आ पाए। तुम सबको यहाँ कैसल में मिलना, इसके पीछे कोई मीनिंग जरूर था, इसीलिए हम काफी चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं। तभी कोकोरो पूछती है, क्या तुम भी वरीड रहते हो रियोन? और जब तुम्हें चाबी मिल जाए, क्या तुम कोई अपनी विश को पूरा करवाना चाहते हो? रियोन बोलता है, मैं मेरी बहन को वापस लाना चाहता हूँ जो मेरे एलिमेंट्री स्कूल जाने के एक साल बाद बीमारी के कारण मर गई है, इसीलिए मैं की को शिद्दत से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इवन अभी भी। कोकोरो अपने मन में सोचती है, मेरी विश कितनी स्मॉल है। इसके बाद रियोन और कोकोरो वहां से चले जाते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, इस मूवी के पार्ट वन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको ये मूवी कैसी लगी या फिर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताना। अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेन करने में काफी मेहनत लगती है। खैर तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय एंड टेक केयर, फिर मुलाकात होगी।